पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में रेलवे विभाग के उस वक्त हाथ पांव फूल गए जब किसानों ने हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। किसानों को लाख समझाने के बाद भी किसान ट्रैक छोड़ने को तैयार नहीं हुए। प्रशासन के द्वारा लगातार किसानों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद भी किसानों ने 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम देकर किसान शांत हुए। किसानों ने 3 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर कब्जा किए रखा, जिसकी वजह से करीब 50 ट्रेनें प्रभावित हुईं। उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा लगातार मिल स्वामियों से गन्ना भुगतान की मांग की जाती रही है, लेकिन मिल स्वामियों के द्वारा किसानों का भुगतान नहीं होने पर आज किसानों का गुस्सा फूट गया। सभी किसान मुरादाबाद हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। किसानों के द्वारा ट्रैक पर कब्जा होने पर रेलवे विभाग और जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन के द्वारा लगातार समझाने के बाद किसानों ने 3 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर कब्जा करने के बाद आश्वासन पर ट्रैक छोड़ा। किसानों का कहना है कि 15 जनवरी तक का आश्वासन जिला प्रशासन के द्वारा लिखित में दिया गया है और 15 जनवरी तक गन्ने का भुगतान कराने की बात कही गई है, जिसके बाद किसानों ने कब्जा छोड़ा। किसानों ने साफ कहा है कि यदि 15 जनवरी को भुगतान नहीं हुआ तो फिर से किसान रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। किसानों के भुगतान से संबंधित मामला है, डीसीओ साहब आपको विस्तार से बताए हैं। हम लोग किसानों से बात कर रहे हैं और समस्या समाधान करने की हो जाएगा कोशिश कर रहे हैं। सर, ट्रैक रुका जा रहा, कितनी ट्रेनें इस समय? अभी ये तो ट्रेन तो ट्रैक रुकने से रुकी हैं, कितनी ट्रेनें हैं ये जानकारी कैसे मिली? अगवानपुर स्टेशन है, अभी 14:45 से इन लोगों ने ट्रैक को घेरे रखा है, जिस कारण हम गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि हमें पता चल चुका है ये लोग ट्रैक पर हैं। ट्रैक पर नहीं होते तो हम अपनी गाड़ी चला देते, बाकी हमारे अधिकारी वगैरह आए हुए हैं, आरपीएफ जीआरपीएफ सब है, इनको हटा देंगे तभी हम गाड़ी रिसीव करेंगे और चलाएंगे। तो अभी क्या आउटर से आउटर पर कोई गाड़ियाँ रोक रखी हैं? हाँ, आउटर पर 2 गाड़ियाँ हैं हमारी, मालगाड़ी है कोयले वाली जीबीके है, डाउन में फूड गैन जिसमें अनाज वगैरह होता है वो HBN है। कौन सा रूट है ये? सहारनपुर रूट है, मुरादाबाद सहारनपुर रूट। क्या इसके अलावा और भी कोई गाड़ियां हैं पीछे जो इस समय? हाँ, बाकी और स्टेशनों पे खड़ी होंगी जैसे हमारे यहाँ खड़ी है। लगभग कितनी ट्रेनों में गुजरने का समय है ये? अब इस समय तो कम से कम 4-5 ट्रेनें निकल चुकी होती, बाकी दोनों गाड़ी आउटसाइड हैं, जब तक ये नहीं जाएंगी और कोई गाड़ी आएगी नहीं। तो आप इस समय इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि ट्रैक पर जिस तरह से किसान बैठे हुए हैं तो क्या? हाँ, इस समय हम लोगों को पता है ना, अगर ये हमें पता नहीं होता कि ट्रैक पर नहीं है तो हम अपनी गाड़ी चला सकते थे, क्योंकि हम अपनी गाड़ी संरक्षा की दृष्टि से चलाते हैं, सेफ्टी के हिसाब से। क्या नाम है सर आपका? मेरा मंजर हसन, स्टेशन मास्टर अगवानपुर। हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि हमें आज रेलवे ट्रक बैठना कोई भी अच्छा लगता है। लेकिन हमारी मजबूरी देखिए आप कि हम क्यों बैठे हैं। इस साल पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में हमारे साथ कि प्रधानमंत्री ये घोषणा कर रहे थे कि हम किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मुनाफा भाव देंगे। हमारा गन्ने का 1.5 गुना मुनाफा जोड़कर लागत में 440 रुपये बैठता था, लेकिन 440 छोड़ो, 325 पिछला भाव था हमारा, एक नया पैसा नहीं बढ़ाया सरकार ने, वही भाव आपका रख दिया पिछला। चलो, ये तो ये बेईमानी की। दूसरा हम बता दें आपसे, 1.5 महीना मील चला हो गया हमें गन्ना डाल रहे हम लोग, दो महीने हो गए। एक भी नया पैसा भुगतान का नहीं दिया। पिछला भुगतान मुख्यमंत्री ब्रिजघाट आए थे, मुख्यमंत्री ने डुबकी लगाई थी गंगा जी में और गंगा में खड़े होकर वादा किया था कि 30 नवंबर तक जिस मिल ने भुगतान नहीं किया हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। कुल कितना बकाया होगा आज की तारीख में? टोटल बकाया हमारा 5,000 करोड़ नया है और 2,700 करोड़ पुराना है। और अब आपकी मांग क्या है इस बारे? हमारी मांग ये है कि हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है, एक ऑर्डर है केन एक्ट में कि सुवर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 3AAA कि अगर कोई मिल किसान को 15% भुगतान नहीं करती है तो 16वें दिन किसान के खाते में 15% ब्याज भुगतान पहुँचाना होगा। लखनऊ हाई कोर्ट 3 आदेश कर चुका है गन्ना एक्ट को कि आप भुगतान ब्याज सहित कराएं। 2,000 करोड़ रुपये हमारा ब्याज बकाया है,
लेकिन सरकार ने आज तक ब्याज तो छोड़ो मूल भी नहीं कराया। 159 करोड़ रुपया मुरादाबाद मंडल की मिल पर बकाया है, और जिस मिल पर आज हम बैठे हैं दीवान शुगर फैक्ट्री, इस पर 19 करोड़ रुपया पिछला बकाया है आज। तो अब आपका अगला रुख क्या होगा? हमारा अगला रुख येगा, अगर आज ये फैसला नहीं होता, पेमेंट नहीं होता हमारा, तो हमारा अगला फैसला होगा, हम फरवरी के फर्स्ट वीक में 2 या 3 तारीख में हम अपना गन्ना ट्रोलियम भरकर जिला कलेक्ट्रेट में ले जाएंगे और कलेक्टर के गन्नों के ढेर लगाएंगे हम। नहीं तो आज ट्रैक पे कब तक रहेंगे? आज ट्रैक पर दफ्तर रहेंगे जब तक अधिकारी आश्वस्त नहीं करता हमें आके, हम बैठेंगे ही और पेमेंट नहीं होता हमारा, भुगतान नहीं होता, हम बैठेंगे यहाँ। ठीक, हम बैठेंगे यहाँ, हमने जंग छेड़ दी है, हम अब जब तक भुगतान नहीं होगा हम रोज कार्यक्रम करेंगे। 10 तारीख को रामपुर में रेल रोकी जा रही है, 13 को आपको धनौरा रोकी जा रही है, उसका सिंबॉलिक कार्यक्रम है, हमारा हर जिले में कार्यक्रम होगा। अगर सरकार ने भुगतान नहीं दिलाया तो हम इसके रेल के पक्के चक्के जाम करेंगे, डेली डेली हम रोज काम करेंगे, डेली रोकेंगे, हमारा तय कर डेली। अब गन्ना विभाग में गन्ना मूल्य भुगतान का स्वाभाविक सी बात है मामला है, किसानों का बकाया बचा पड़ा, इसलिए गन्ना मूल्य भुगतान का मामला है, जैसा अध्यक्ष जी बता रहे हैं और है भी उसी का मामला। बता दो, तो इसमें अभी 12 करोड़ रुपए बचा है, इसमें बताना ये चाह रहे हैं 6 करोड़ मेरे खाते में प्रेजेंट टाइम में है, वो नहीं 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 टोटल कितना है? टोटल कितना है? नहीं जनपद की हमको बात है ना, नहीं इसमें का टोटल कितना है? 12 करोड़ रुपए नहीं नहीं मैं बोला ना पिछला 12 करोड़, अरे मैं बताओ वो तो पैसा ही है, 2 महीने 2.5 महीने हो गए। जी जी अगर पिछला 12 करोड़ रुपए बकाए हैं और करंट वाला 40 करोड़ रुपए बकाए हैं इस ईयर का, 40 करोड़, ठीक है, तो 12 करोड़ रुपए में 6 करोड़ की धनराशि आ चुकी है। आज बैंक का हड़ताल होने के कारण नहीं, लेकिन फिर भी आज पैसा ये 6 करोड़ जो मेरे खाते में, वो तत्काल हस्तांतरित कर दिया जाएगा किसानों के खाते में। इसके अलावा बस अगले एक सप्ताह आपके भीतर चला जाएगा। सर अभी जब अंदर बैठ के बात करने की कोशिश करी गई थी, आपको ही पकड़ कर बैठा लिया गया था। जी 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 बिल्कुल। क्या मतलब, क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की इसमें कमी है? नहीं, प्रशासन सरकार हम किसानों के साथ हैं, इसलिए पहले ही आके इनके बीच में हम बैठ गए कि आइए हम आपके साथ हैं, और मैंने प्रयास भी किया और 6 करोड़ मेरे खाते में है भी धनराशि, और एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से करा देंगे ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। सर एक छोटा सा अपना सवाल है, बड़ी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से करा देंगे। जब भी जो है किसान के संबंध में आपसे बातचीत करनी चाहिए थी, प्रशासन की तरफ से बातचीत करनी चाहिए, लगातार ये बात कही गई थी कि उनका भुगतान जो है वो समय से पूरा होता हुआ चल रहा है, तो ऐसी क्या वजह रही जिसके बाद में जो है आज जो है किसान यहाँ पर पहुँच गए? नहीं, भुगतान लंबित है, समय से भुगतान नहीं हो रहा था, ये सत्य है कि समय से भुगतान किसानों का नहीं हुआ है, भुगतान लंबित है और प्रयास किया जा रहा है लगातार दिन पर दिन की जल्दी से जाती शीघ्र भुगतान समाप्त हो। अब क्या आश्वासन रहेगा? अभी अगले एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से पिछला पूरा भुगतान करा देंगे, ये निश्चित रूप से हम ट्रैक टोटल बता रहे हैं, टोटल कितना है? बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक पे रोक रखा है। हाँ ट्रैक बिल्कुल रोक रखे हैं, सामने सार्वजनिक है, एक सप्ताह के भीतर हम भुगतान करा देंगे। किसानों ने एक यहाँ पर आपके और तहसीलदार सर के सामने बात रखी थी, भैया हमको चेक नहीं चाहिए, हमको ड्राफ्ट चाहिए। जी जी, और ड्राफ्ट के बारे में आप संभवतः प्रक्रिया जान ही रहे हैं, बैंक की हड़ताल है, ड्राफ्ट नहीं, मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ आपको कि मेरे अकाउंट में 6 करोड़ रुपए की धनराशि पड़ी है, मौजूद है, और 6 करोड़ का बकाया है, वो निश्चित रूप से हम 2-3 दिन में अंदर करा देंगे। आप बार क्यों कह रहे हो 40 नया और पुराना कितना? 18 40 52 करोड़ हो गया ना? जी बिल्कुल। आप 52 करोड़ की बात करो ना, आप क्यों 6 करोड़ बात कर रहे हो? अगला भुगतान 52 बकाया है ना, एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा, नया भुगतान तुरंत करा देंगे। अरे पुराना नहीं कहने करो, 52 चाहिए ना हमें, 52 चाहिए, हमें 52 चाहिए ना। जी जी, पहले पुराना भुगतान करा दें फिर नया भुगतान का तुरंत।